वो कंपनी के लेंगे लिए। अमन भाई का। हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, उसके लिए कह रहे हैं। हाँ वो यार अल्हम्दुलिल्लाह चौथी कंपनी है हमारी क्वार्टर फोर में, जो कंपनी उसमें चौथी कंपनी है। दो सेलर सेंटर्स बन गए हैं, एक यूएसए के लिए बन गया है, लेकिन हमें यूएसए के लिए नहीं चाहिए, हमें यूके के लिए चाहिए, तो उसपे भी उनके साथ बातचीत चल रही है अमेजोन के साथ। और चौथा इंशाल्लाह इनका बन जाएगा बहुत जल्दी। ये न्यू चार सेलर सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह जो हो गए। मैं हमें भी इसीलिए क्या, दीजिएगा उसको, फिर चाइल्ड ट्रैकर्स के हाँ लिए हमें भी दीजिएगा चाइल्ड अकाउंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वगैरह। मैं बता रहा हूँ ना कि काम आता रहेगा डेफिनेटली। सिर्फ अकाउंट तो नहीं बनाने ना, उसमें लिस्टिंग भी है, उसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग भी बिल्कुल है, सारी चीजें हैं, फिर पीपीसी है। सबसे इम्पोर्टेंट बिलाल भाई पीपीसी है। दुनिया में सारे काम विदाउट अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन एक पीपीसी वाहिद चीज है, और सबसे हाईली पेड जो लोग हैं वो पीपीसी के। पीपीसी का बंदा नहीं मिलता, यकीन करें। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। शुरू करने से पहले। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती ना जब तक आपकी कोई प्रोडक्ट लाइव नहीं है अमेजोन पे। तो न्यू लोगों को कोई ये अकाउंट के एक्सेस ही नहीं देता कि भाई आप मेरे अकाउंट के ऊपर जाकर पीपीसी रन करें। और पीपीसी का पर क्लिक पे बजट कट रहा होता है, तो अगर एक बंदा गलत पीपीसी चला देता है तो क्लाइंट को 40-50 डॉलर का लॉस हो जाता है घंटे में, तो वो अलाउ ही नहीं करता, वो कहता है नहीं। तो लेकिन इसका जो हल है सीखने का, वो यही होता है किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ जाएं। अब उनका जो डिपार्टमेंट होगा जो पीपीसी चला रहा है, उस लड़के के साथ आप अटैच हो जाएं, उसको कहें यार भाई जूम पर आकर मेरे सामने पीपीसी चलाया करो, मुझे भी बताओ कैसे चल रही है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। फिर आप उसके सामने एक दिन वो आपको एक्सेस देगा, आप उसके सामने बैठ कर चलाओगे। इस तरह फिर पीपीसी सीखी जाती है। पीपीसी कभी प्रैक्टिस से नहीं, ये विदाउट प्रैक्टिस आती नहीं है, और प्रैक्टिस उसकी फ्री में होती नहीं। इसलिए खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे, न्यू अकाउंट्स की जब पीपीसी चलेगी तो आप में से जो लोग जुड़े हुए होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उनको डेफिनेटली मैं उन लड़कों के साथ अटैच कर लूंगा जो पीपीसी रन कर रहे होंगे। तो कम से कम लर्निंग के लिए आपको लर्न कर जाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। और यकीन करें पीपीसी का बंदा नहीं मिलता, अच्छा पीपीसी का बंदा है ही नहीं, बहुत कम मिलता। सही। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने आज सोर्सिंग जो ओके उनसी है वो स्टार्ट करनी है, हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब नंबर टू पर आती है सोर्सिंग। हम सोर्सिंग के अंदर दो मेन चीजें पढ़ेंगे। एक चीज ये पढ़ेंगे कि अलीबाबा से चीज बनवानी कैसे है, ठीक है, ये एक मेन पार्ट है, बनवानी कैसे है। और उसके बाद दूसरा मेन पार्ट इसका हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। याद होगा जब वायरल किया था तो मैंने आपको बताया था कि एफपीए कैलकुलेटर के थ्रू हम एग्जैक्ट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने पैसे बच रहे। और जब आप हंटिंग की रिपोर्ट बनाते हो तो डेफिनेटली उसके आगे एफबीए कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लगा होता है, क्योंकि डेफिनेटली क्लाइंट को पता है यार आपके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आखिर में उसका सवाल यही होगा ना भाई पैसे कितने बचेंगे, तो वो आपके जुबानी कलामी बात पर तो यकीन करेगा नहीं। तो इसलिए आपको एफबीए कैलकुलेटर चाहिए होगा, और उस कैलकुलेटर से पहले आपको वो प्राइस चाहिए होगी ना जिसपे आपको चीज मिल रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यार इस ग्लास पे कितने रुपए बचते हैं, तो आप पहले कहेंगे अच्छा बिकता 10 रुपए का, पता चल गया amazon.co.uk.com पर गए, पता चल गया इतने का बिक रहा है। अब ये तो नहीं पता ना मिल कितने का रहा है, तो जब तक ये नहीं पता चलेगा मिल कितने का रहा है, तब तक कैसे प्रॉफिट निकलेगा। तो इसलिए जो है ना पहले हम सोर्सिंग सीखेंगे कि अलीबाबा से प्राइस निगोसिएशन कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं, और फिर सेकंड हम एफबीए कैलकुलेटर का पार्ट अगले सेशन के अंदर हम वो देखेंगे। तो अब आज का स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ स्लाइड्स हैं हम जो उनसे हैं वो कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या है। और उसके बाद यह है कि पहले ये स्लाइड आ गई है, ये सर्कल देख लेते हैं। ये एक नॉर्मल सर्कल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार ऐसा किया जा रहा है कि पहले प्रोडक्ट रिसर्च होती है, फिर उसको सोर्स किया जाता है, सोर्स करने के बाद जो है उसको लॉन्च किया जाता है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर फिर उसके बाद दोबारा से जो है उसकी सर्च की जाती है अगर कोई न्यू लॉन्च करें, वरना डायरेक्ट यहाँ मार्केट से मतलब मार्केट में होती है डायरेक्ट, फिर सोर्स होती है, और ये सर्किट यूं चलता रहता है। अच्छा ये तो सिंपल सा सर्किट था, ठीक है, अमेजोन की वर्किंग का, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये चीज है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से हम सोर्सिंग कर सकते हैं। अब नंबर वन पर जो आती है वो अलीबाबा है, हम उधर से ही करते हैं, लेकिन ये अदर है, ग्लोबल सोर्सेज है, मेड इन चाइना है, डीएच गेट है, 1688 है, लेकिन सबसे बड़ा जो जॉइंट है ना वो अलीबाबा है। अब हम अलीबाबा को क्यों फोकियत देते हैं, पहला तो ये सवाल होना चाहिए। एक तो ये कि बहुत बड़ी
बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी, ठीक है। ये जो हमें श्योरिटी देती है ना, ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। श्योरिटी क्या देती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम अलीबाबा से चीजें परचेस करते हैं तो हम पैसे अलीबाबा को देते हैं, हम सप्लायर को नहीं देते। लिहाजा अगर कोई प्रॉब्लम निकला गुड्स के अंदर, कोई डिले हुआ डिलीवरी में, अलीबाबा जिम्मेदार है, हम सप्लायर को नहीं जानते। भाई हमने पैसे तुम्हें दिए थे, तुम मेरे पैसे वापस करो। तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, वो फिर आगे इस चीज को डील करती है, सबसे बड़ा श्योरिटी होती है, ठीक है। इसलिए हम अलीबाबा को प्रेफरेंस देते हैं बाकी सब चीजों के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अलीबाबा के अंदर भी देखें, अलीबाबा ने अपने कुछ प्रिंसिपल बताए हैं हमें। अलीबाबा ने कहा है कि भाई मैं तुम्हारे पैसों की श्योरिटी दूंगा, मैं तुम्हारे गुड्स की श्योरिटी दूंगा, मैं तुम्हारी क्वालिटी की श्योरिटी दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं जो तुम्हें प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शॉपिंग करते, जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे और अपनी मर्जी से शॉपिंग करोगे तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। एक वो कहता है ट्रेड अश्योरेंस बैज हो, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पता चलता है, वेरीफाइड सप्लायर। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर जिस कंपनी के पास ट्रेड अश्योरेंस होगा, जिस सप्लायर से आप चीज खरीदने लगे हैं, अगर उसके पास ये बैज है, इसका मतलब है हम पैसे अलीबाबा को देंगे, अलीबाबा जिम्मेदार है। ये नहीं है, ट्रेड अश्योरेंस बैज नहीं है बेटा, सीधे सीधे आपने सप्लायर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, अब तुम जानो और सप्लायर जानो, अलीबाबा बीच में नहीं है। तो वो कहता है ट्रेड अश्योरेंस बैज जिसके पास हो उससे शॉपिंग करो, वेरीफाइड हो तो उससे शॉपिंग करो। वेरीफाइड का भी बैज मिला होता है, लिखा आ रहा होता है एड के साथ में भी, आपको बताता हूं उससे क्यों करो। वेरीफाइड का मतलब ये है कि अलीबाबा फिजिकली जाकर उसकी कंपनी को इंस्पेक्ट करता है हर महीने या 6 महीने के बाद। लिहाजा सफाई सुथराई बाकी सारी चीजें डिक्टो वही है जो उसने बताई हुई है। डायमंड्स 3+ होने चाहिए, रेटिंग 4.5 से ऊपर होने चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर होना चाहिए, डिलीवरी टाइम 90% से ज्यादा होना चाहिए। अब जिसके पास ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड नहीं है बेटा, उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है, वो फ्री में भी दे तब भी नहीं जाना, ठीक है। ये डायमंड सिर्फ हम रेटिंग एक ऐसी चीज है जिसपे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, 4.5 से 4 भी हो जाए तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। हम ये वो तरीका बताया हुआ है, ये हम आगे अभी प्रैक्टिकल करके सारा देखते हैं कि कैसे होता है, लेकिन ये वो तरीका बताया गया है जिस तरीके के ऊपर ये चीजें फॉलो करनी है। अब ये वो तरीका है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों ने देखें, जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग जो उनसे है ना उसको कोई पठान समझ लें। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि अलीबाबा के ऊपर आप किसी मार्केट में जाते हैं ना, और मार्केट में जाके वहां पर रिसर्च करते हैं, और कोई पठान के पास आपको शूज पसंद आ जाता है, और फिर वो शूज आपको कहता है 5,000 रुपये का दूंगा, और आप कहते हैं 200 रुपये, तो वो कहता है अच्छा चलो ना तुम्हारा ना मेरा 2,000 रुपये दे। तो वो भी इसी तरह निगोसिएशन करते हैं, पर मैं फिर बता रहा हूँ कि वो कोई पठान नहीं है। उनसे निगोशिएट करने के तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उनसे कभी जाकर आपने ये कहा ना कि भाई पिछली दुकान पे तो इतने का मिल रहा था, यकीन करें वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे, या रिप्लाई भी करेंगे तो इतने प्यार से आपकी बेइज्जती करेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि सर आप उस दुकान से ले लें, अगली दफा इंशाल्लाह हमारा और आपका बिजनेस बेहतर होगा, इस तरह वो कहकर रिजेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने ये बात अवेयर करनी है कि वो दुनिया के उस मुल्क में बैठे हैं जिस मुल्क में चाइनीज के अलावा लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, और वो इंग्लिश बोलता है ये जो बंदा है। इसका मतलब यह है कि वो दुनिया से कोऑर्डिनेट करने का स्पेशलिस्ट बंदा है उनका। तो आपने भी अपना मियार स्पेशलिस्ट रखना है। आप किसी दुकानदार से बात नहीं कर रहे, आप मल्टीनेशनल कंपनी के बंदे से बात कर रहे, ठीक है। वो क्वालिफाइड बंदा है तो आपने भी क्वालिफाइड बंदों की तरह उससे बात करनी है। आप यहाँ पर क्या चैट करें उसके साथ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, प्राइसेस मांगे, MOQs क्या होते हैं, उससे कहें अगर मैं 500 पीसेस लेता हूं तो क्या प्राइस पड़ेगी, 1,000 लेता हूं तो क्या प्राइस पड़ेगी, निगोशिएट करें, बार्गेन करें, कम से कम 6 लोगों से कांटेक्ट करें, उनमें से 2 जो बेस्ट प्राइस दे रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट कर लें, ऑर्डर करें सैंपल्स को। सैंपल्स किस तरह ऑर्डर किए जाते हैं, बेसिकली जब आप चाइना में हैं तो आपने पिक्चर्स भेजी हैं, उसने पिक्चर्स दिखाई हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो भेजी है जो हंट की हुई थी, उसने आपको वीडियो भेजी है, लेकिन क्वालिटी कौन चेक करेगा जी।
तो क्वालिटी चेक करने के लिए इसका तरीकेकार है, एक सैंपल आप मंगवाएंगे उनसे अपने घर के एड्रेस पे या अपने ऑफिस के एड्रेस पे पाकिस्तान में, और वहां जो आपका कंपिटेटर है यूके में, जो हमने सेलेक्ट किया है टॉप 10 के अंदर से, हमने सेलेक्ट किया है भाई हम इसको कम्पीट करेंगे, उसका सैंपल ऑर्डर करें, वो भी पाकिस्तान मंगवाए। अक्सर अमेजोन अलाउ नहीं करता पाकिस्तान में डिलीवरी, तो वहां पर इंग्लैंड में कोई ऐसा बंदा हो जिसके घर आप भेजें और वहां से वो आपको पाकिस्तान भेज दे। इसीलिए कहते हैं ई कॉमर्स का जो सर्कट है ये पूरा होना चाहिए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम यूके के अंदर भी बैठी हुई है, 2 लड़कियां यूके में जो ई ग्रीन का पार्ट है, और उनका सिर्फ ज्यादातर काम ही यही है, वो सैंपल्स पाकिस्तान भेजते। ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना, चूज द बेस्ट वन। अब स्नैरियो क्या है यार, देखें जब आपने उनके साथ चैट करनी है या निगोशिएट करना है ना, तो पहले तो यह है कि चैटिंग में आपने कभी उनको ये नहीं कहना कि भाई मैं बिलाल हूँ, या ये नहीं कहना मैं अब्दुल हूँ। आपने उससे बात करनी है, मैं ई ग्रीन रेवोल्यूशन का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, मैं उनका पर्सन हूँ, मैं उनका पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये चीज परचेज करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज आपकी पसंद आई है, आपके पास अवेलेबल है, आप मुझे इसकी प्राइसेस दें। निगोशिएट कैसे करना होता है, वो आपसे मांगेंगे, आप उसको अपना जो हमारी कंपनी का वेबसाइट है आप उसको वो वेबसाइट भेजें, वो वेबसाइट पे बिलीव करते हैं, वो फेसबुक फेसबुक पे बिलीव नहीं करते, उनको वेबसाइट भेजें, कहें यार ये हमारी वेबसाइट है, आए देखें, गूगल पे सर्च करें, हम लोग आपको शो होंगे, एज अ कंपनी काम करें, और यार देखें अगर आप 5 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो हमें 3 रुपए की दे दें। उसकी वजह पता है क्या है, हम आपके साथ बिजनेस टर्म्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम एक दफा आपसे चीज लें, हमारी इतनी लॉन्चेस हैं, आए हम आपको बताते हैं हम अमेजोन पे इतना काम कर रहे हैं, हम हर चीज आपसे परचेज करेंगे, आपका दूसरा प्रोडक्ट भी आपसे खरीदेंगे, लेकिन आप मुझे बेस्ट प्राइस दें ताकि मैं अपनी मीटिंग के अंदर आपको जस्टिफाई कर सकूं। ये तरीके हैं बात करने के, ऐसे बात नहीं करनी कि फलां जगह पर तो इतने का मिल रहा है, अच्छा आपकी तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, मुझे तो पिंक रंग में चाहिए था, आपका तो डार्क पिंक है। ये हमारे तरीके होते हैं, लड़के कर जाते हैं कई दफा। और एक और बात, प्रैक्टिकल करने से पहले ये कहें जी, कभी ये नहीं होना, वो लोग ज्यादातर वो लड़कियां होती हैं, और ज्यादातर वो लड़कियां होती हैं, और लड़कियां लड़की ज्यादातर वो लड़कियां होती हैं, और लड़कियां होने के बाद ना वो बेसिकली ये चीज देख रहे होते हैं वो लोग के बड़े प्यार से जो उनसे आपसे बात करेंगी, इवन ये भी पूछेंगी कि जी आपने खाना खाया था, रात सो गए थे, नींद ठीक आई है। हमारे यहाँ एक लड़का होता था, वो सारा दिन सोर्सिंग करता रहता था, एक दिन हमने उसे पूछा यार रेट क्या मिला है, तो पता चला इस तरह की चैटिंग करता रहता था उसके साथ, अलग किसी बंदी के साथ इस तरह के उल्टे सीधे मैसेज फॉरवर्ड करता रहता था। तो ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अप्रोच इंसान की, मतलब क्या ना, प्रोफेशनल हाँ होनी बहुत चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, आप उनसे प्रोफेशनल तरीके से बात करें, परफॉर्मेंस मंगवाएं, वो आपको स्लिप्स जनरेट करके देंगे, सारी चीजें उनके साथ करें, इस तरह की चवलियां मारेंगे तो वो ना आपको प्राइस ठीक देंगे, और डेफिनेटली आपका कोई काम भी नहीं है फिर इस तरह की फील्ड में। आप जब तरीके से बात ही नहीं कर सकते हो तो आप किसी के साथ क्या बात करोगे, आगे 100 मसले आते हैं, वो सैंपल भेजते हैं पहुंच नहीं रहा होता, अक्सर आपने उनसे पूछना होता है, ट्रैकिंग आईडीज लेनी होती है, अगर आपको बात ही करने का तरीका नहीं आता तो आप किस तरह उनके साथ काम कर सकते हो। ये तो इंटरनेशनल लेवल का काम है, ये तो कोई लाहौर कराची से भी सामान नहीं मंगवाना है, ये दूसरी कंट्री से मंगवाना है, और चाइना कितनी तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो ऐसे कोई गिरा पड़ा मुल्क है भी नहीं जहाँ पे जो उनसे ना हर बंदा उठ के एक रिप्रेजेंटेशन शुरू कर देता है, ये बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं। हम सैंपल के लिए पे करते हैं। हाँ ये तरीकेकार ही होता है कि हम सैंपल के लिए पे करते हैं, लाइक किस तरह होता है कि $2,000 फर्ज करें कि मेरा बिल बन रहा है, ठीक है, $2 की प्रोडक्ट थी, फाइनल हुई 1,000 पीसेस मैंने मंगवाने थे, 2,000 मेरा बिल है। अब मुझे सैंपल पाकिस्तान में, क्योंकि एक सैंपल मंगवाऊंगा महंगा पड़ता है, पीस फर्ज करें मुझे $20 का पड़ रहा है, अब मैं उसको पता है क्या कहता हूँ, यार $20 अभी तो मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अब आपको ऑर्डर करूंगा तो मैं 1980 पे करूंगा, मैं 20 नहीं पे करूंगा। ये प्रोफेशनल तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है। अभी हमने प्रोडक्ट मंगवाई है उसका सेम यही रेट है जो अभी मैंने आपको बताया, तो अब हम उसे 980 पे करेंगे। अब इसका प्रोफेशनल तरीका यही है, वो आपको अपनी कंपनी की स्लिप बना कर देता है, पिक्चर भेजता है, PDF फाइल भेजता है बकायदा, उसके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि रिटन एग्रीमेंट असल एग्रीमेंट है, जुबानी कलामी कोई एग्रीमेंट नहीं, ठीक है, तो रिटर्न वो लिख कर देता है मेरी बात, ठीक है, ताकि उसको भी श्योरिटी हो कि जो वो सैंपल भेज रहा है अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता, हम जानबूझ के कोई एलिगेशन ना लगा देना।
अब हम उससे प्रोडक्ट मंगवा लें और बिल्कुल ही 0 पैसों में भेज दे, तो मैं तो रोज सुबह उठ के 10-15 चीजें अली बाबा से मंगवा लिया करूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगी। तो ये बकायदा तरीका है, जाते हैं। मेरा ये कंसर्न इसलिए था क्योंकि मैं भी इसी चीज को देख रहा था कि अगर हम एक हमने तो बल्क में जो है ना वो सप्लाई करवाना होता है, लेकिन हम स्पेशली अपने जो है कंट्री में जो है सैंपल मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें हाईली पे करना पड़ेगा जस्ट फॉर 1 यूनिट, ठीक है। मैं ये पूछा था मतलब कि उसमें निगोशिएशन कैसे होती है, मैंने इसलिए बेहतर समझा के क्वेश्चन कर दिया। वो वैसे सैंपल में भी निगोशिएशन कर देते हैं, लाइक अगर 28 का है तो $20 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, वो जब फाइनल प्राइस होगी उसमें से 20 वो लेस कर देंगे, जो आपके दरमियान में प्राइस फाइनल हुई है ना उसमें से फिर वो 20 लेस कर देंगे, समझ आए। अच्छा फर्ज कर लेते हैं हमारा आइटम था आइस क्यूब, हम अली बाबा पर गए, हमने आइस क्यूब सेलेक्ट किया। अब वही रूल अपने जहन में रखें कि हमने उस सप्लायर से बात कर दी है जिस सप्लायर के पास जो है ना ट्रेड अश्योरेंस का बैज हो और वेरीफाइड हो। तो अब हमने यहाँ पर आइस क्यूब तो लिख दिया, फिर यार हजारों सप्लायर्स हैं नीचे, अब मैं एक एक को खोल के चेक करता रहूँ, तो इसीलिए लेफ्ट साइड पर आ जाएं, ये देखें ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड लिखा है, इन दोनों को टिक करें, देखें बहुत सारे सप्लायर्स गायब हो जाएंगे, ये रीलोड हुआ है, बहुत सारे सप्लायर नीचे से गायब हो गए। अब मैंने वेरीफाइड पर क्लिक किया, अब और गायब हो गए, अब जो रिमेनिंग रह गए हैं वो वेरीफाइड भी हैं और ट्रेड अश्योरेंस का बैज भी है उनके पास, ठीक है। अब आप खुलकर अपने बाकी रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक और रूल होता है कि उस सप्लायर से बात करें ना, वो सप्लायर एलिमिनेट कर दे जो 1 घंटे से देर से रिप्लाई करता है, मतलब भाई आप मैसेज करें 1 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, नहीं भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्राइस अच्छी दे, बाकी खैर, ठीक है। अब ये देखिए हमने आइस क्यूब ऊपर लिखा, अब हम अपनी मर्जी का कोई डिजाइन निकालते हैं, जो डिजाइन हम फर्ज कर लें ये डिजाइन हमारा था। अब ये देखते हैं यार इसका एक्सपीरियंस तो 2 साल का है, हमारे रूल्स में था कि 3 साल का हो, चलो कोई और ढूंढते हैं इससे बेहतर मिल जाएगा, और कोई ढूंढते हैं, ये आ गया, इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है और वेरीफाइड भी है और ट्रेड अश्योरेंस तो होगा ही होगा। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आप इसको सारा सुकून से बैठ के चेक करें, ठीक है। चेक करने के बाद अब आप ये सारी चीजें देखें कि ये वेरीफाइड सप्लायर भी है, रिस्पांस टाइम चलो डिलीवरी टाइम भी तकरीबन ठीक ही है, 90% के नेड़े नेड़े ही है, करीब ही है, और ये क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये है कि इसने टीम भी अपनी रखी हुई है जो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करती है, R&D इसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने नौकर इसने रखे हुए हैं, ये भी है इतना इसका स्क्वेयर फुट, इसकी फिजिकल अपीयरेंस है इसकी कंपनी की, आपको पता ही होगा चाइना में छोटी छोटी कंपनीज भी लगी हुई है ग्राउंड, तो ऑल गुड है, हम इसकी तरफ जा सकते हैं। अब मैंने आपको सारी बात बताई थी कि किस तरीके से बात करनी है, अब 2 तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ कि बात करने के। एक तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग में आइडियाज जनरेट नहीं हो रहे, आप इसी तरह किसी सप्लायर के पास आए जिस तरह मैं अभी आया हूँ, उससे कॉन्टेक्ट करें और उसको कहें यार मुझे अपना कैटलॉग भेजो, मतलब वो PDF फाइल भेजो, तुम्हारे पास क्या क्या आइटम अवेलेबल है, वो आपको एक प्रोफाइल फाइल भेजेगा जिसमें कई 100 प्रोडक्ट्स होंगे, अब आप उसको बैठ के हंट करते रहे, आराम से नाम लिख के देखते रहे देखते रहे देखते रहे, तो ये इनके पास प्रोडक्ट भी कैटलॉग में वो होती हैं जो चल रही होती हैं अमेजोन के ऊपर, तो हाईली चांस होता है कि इधर से अच्छी प्रोडक्ट्स निकल सके, ठीक है। तो ये बड़ा तरीका होता है यार बात करने का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोर्सिंग आपको सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं चाहिए, दराज पे काम करना है, सोर्सिंग चाहिए, फ्यूचर में अपना फेसबुक पेज बनाकर चीजें बेचना चाहते हैं, सोर्सिंग चाहिए, फ्यूचर में अपना इंस्टाग्राम पेज बनाकर बेचना चाहते हैं, सोर्सिंग चाहिए, ईबे पर काम करना है, सोर्सिंग चाहिए, वॉलमार्ट पे करना है, सोर्सिंग चाहिए, ये चीज तो आपके पास जब तक नहीं है आप ई कॉमर्स पे अपना बिजनेस नहीं कर सकते, सिंपल इज दिस। यकीन करें बिलाल भाई, लड़के ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं ना कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए का सामान मंगवाते हैं अली बाबा से पाकिस्तान के अंदर, और मैं भी देख रहा था एक यूनिक LED लाइट है बड़ी प्यारी सी, ठीक है, वो लड़के ने मंगवाई है, उसको चाइना से पड़ी है 45 रुपए की और 130 या 120 रुपए में होलसेल रेट पर बेच दी है, 50-50 पीसेस करके बेच दी, 1000 पीसेस लाया था, विद इन 10 डेज या 12 डेज उसने मेरा हाल 2.5 लाख की इन्वेंट्री के ऊपर 50,000 अर्न कर लिया था। तो खुद सोचें कि दुनिया जिस बंदे के हाथ में सोर्सिंग है ना वो बंदा पैसा कमा रहा है,
अब जिसके पास सोर्सिंग नहीं है वो क्या करे, लोकल मार्केट से सारी जिंदगी खरीदता रहेगा, नहीं पॉसिबल ना। तो ये चीज सीखें। अच्छा, उसके बाद जब आप अंदर आ गए, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले आप आके आपने अपना ये शिफ्ट टू पाकिस्तान चेंज करना है, यूके करना है, क्योंकि भाई हम तो यूके में भेजना चाहते हैं, ठीक है। जहां भेजना होगा वो कंट्री सेलेक्ट कर लें। उसकी वजह ये है कि ये फिर आपको उसी हिसाब से पाउंड में दिखा रहा है। हम प्रोडक्ट हंट किया तो हम देख रहे हैं ना कि उसका प्रॉफिट मार्जिन पाउंड में आ रहा है, उसकी प्राइसेस पाउंड में है, तो सारा कुछ जब पाउंड में चल रहा है तो इसीलिए यहाँ से यूके सेलेक्ट कर लें, ताकि यहाँ पे आपको पाउंड में प्राइस लिखी है। अच्छा, यहाँ पर अब इसने बताया वह 100 से 500 पीसेस लोगे तो इतने के पड़ेंगे, 500 से 99 हज़ार लोगे इतने के पड़ेंगे। इन प्राइसेस पे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ये सिर्फ एक बायर इन्होंने वाजे की होती है, मतलब एक फ्लायर सा लगाया हुआ है दुकान के बाहर, इस पे नहीं जाना। आपने खुद इनसे प्राइसेस लेनी है, क्योंकि इन पे बिलीव करेंगे तो ये बगैर डब्बे के होंगे, तो फिर डब्बा डालें, फिर लोगो डालें, फिर यूपीसी कोड लगवाएं, तो प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अंदर आ गए, दो ऑप्शंस हैं उनसे बात करने के, एक चैट नाउ है, एक कॉन्टेक्ट सप्लायर है। प्रोफेशनल तरीका है कि आप जब पहली दफा उससे बात करें तो कॉन्टेक्ट सप्लायर पे ये क्लिक करें, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें एंटर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा सेलेक्ट करने के, कह रहा है पहले साइन इन करें। तो चलिए हम किसी और आईडी से बना कर देखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरी डिफरेंट आईडीज हैं, किसी ये हमारी वो आईडी है जो प्रोफेशनली हम लोग चलाते हैं, ये ईगिनी वालों की, जहाँ से हमारे ज्यादातर ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। आपने अपना अकाउंट बना लेना है, अलीबाबा पे आराम से बन जाएगा, वही साइन अप करेंगे, जीमेल के थ्रू अटैच हो जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी एक अच्छी सी ऑफिशियल सी मेल बना लें, जिस पे आप अलीबाबा का अकाउंट भी बनाएं, आगे फाइवर का भी बनाएंगे, अपर का भी बनाएंगे, ने अपना जो सा है वो और जो है आने जाने के लिए, मेल्स के लिए भी बनाएंगे, तो एक अच्छा सा बना लें, ठीक है, जिसके आगे लिखने अपने नेम के साथ ऑफिशियल लगा दें, ताकि वो प्रॉपर एक बिजनेस जो है ना आईडी बने। अच्छा, ये हमने कर लिया था, फर्ज कर लेते हैं किधर गया वो सप्लायर, चलो फर्ज कर लेते हैं ये वो सप्लायर था, ठीक है, हमने तो वहां तक देख लिया ना प्रिंसिपल रूल किस तरह फॉलो करने। अब यहाँ पर आ गया, क्यों नहीं है अलीबाबा, बहुत हैवी साइट है, आपको को ना थोड़ा सा रियलाइज होगा जब आप काम कर रहे होंगे ना कि स्लो थोड़ी चलती है, हमारा बेसिकली इंटरनेट स्लो होता है यहाँ पे, और मजीद थोड़ी स्लो चलती है। ये लोड नहीं हो रहा पूरा, जिसकी वजह से पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी। भी नंबर शेयर कीजिएगा चैट में प्लीज, कौन जिस सा पे है? पीट जिस पे आपके जिस पे आपका पिक्सेल इंस्टॉल है मैं यार ब्रॉडबैंड। वो कर देता हूँ। अच्छा, नंबर मैंने कर दिया सेंड। अच्छा ये देखें, लोड हो गया, अब आ गया कॉन्टेक्ट सप्लायर ना, आपने कॉन्टेक्ट सप्लायर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ना एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने उनसे कॉन्टेक्ट करना है।
क्योंकि वो बताना जरूरी है, वो एक तरीके तरीके से बात जिस तरह की जाती है ना। हाँ दोबारा करके देखते हैं। जब आप सैंपल की या उसकी पेमेंट करने लगेंगे ना, तब भी आपको बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड अशोरेंस लिखा नजर आता है, ठीक है। जब आप करेंगे लाइफ में पहली दफा, फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह। बस बड़ा बड़ा ऊपर लिखा नजर आ रहा होता है, इतना कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म है जो ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म इस तरह का ओपन हो जाएगा। ये मेरा नेट बहुत स्लो है, जिसकी वजह से स्लो खुला है, वरना ये फौरन खुल जाता है, ठीक है। ये क्वांटिटी वगैरह जहाँ लिखी हुई है छोड़ दें, आपने इस फॉर्म को यूं फिल नहीं करना। एक ये चीज है कि ये रेकमेंड मैचिंग सप्लायर्स, इनको टिक नहीं करना। कुछ लोग इसको टिक कर देते हैं, भाई अगर इसको टिक आपने कर दिया, सुबह उठेंगे इतनी मेल्स आई होंगी आपकी मेल पे, इतनी मेल्स आई होंगी कि आपको काम की मेल मिलेगी नहीं, और फिर उसमें से समझ भी नहीं लगेगी कौन सा वेरीफाइड है, कौन सा ट्रेड अश्योरेंस वाला है। नहीं करना है इसको टिक। ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास और भी सप्लायर्स हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो क्या आप हम क्या आपकी मेल उनको फॉरवर्ड कर दें? आपकी मेल उनको फॉरवर्ड होगी ना, तो वो सिस्टम जनरेटेड आपको इतनी मेल भेजेंगे आप पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर बेसिकली आपने अपना तारुफ करवाना है, आपने उनसे बात करनी है। बात करने के बाद यहाँ से आपने अटैचमेंट से अपनी पिक्चर जो है प्रोडक्ट की वो लगाकर भेजनी है, और फिर आपको उनके मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, और वो मैसेज यहाँ पे जो चैट में कन्वर्सेशन है मैसेंजर पर जाएंगे, तो मैसेज आपके यहाँ पड़े होंगे, आप उनसे गपशप लगा सकते हैं। लाइक ये देखें, ये सारी चैट्स हुई हुई है, या हमारा मोहसिन नाम का लड़का है वो हैंडल करता है इस अकाउंट को, तो उसने सारी चैट्स की हुई है इनके साथ, ठीक है। जब आप इनको ओके कर देते हो, तो फिर आपको ये एक लिंक जनरेट करके देते हैं चैट में ही, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, आप वहां से ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो किसी भी वीजा कार्ड के अंदर, ठीक है। इनका सिस्टम इतना तगड़ा है कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने अपना एक सैंपल मंगवाया था, वो सैंपल लेट हो गया, तो इसने फौरन से मुझे कहा और सप्लायर को बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है? मुझे बोला, मैंने कहा मेरे पास नहीं पहुंचा, प्रूफ क्या होगा? उससे पूछा प्रूफ है, उसने एक प्रूफ दिखाया कि सेंड मैंने कर दिया, लेकिन मैंने कहा मुझे मिला नहीं है, कस्टम में फंस गया, कहाँ गया मुझे क्या पता। तो अलीबाबा ने उसी दिन मेरे पैसे रिफंड किए, उसी दिन
ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अब वो पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी बैंक है ना, लाइट बैंक, मेरे डेबिट कार्ड से थे वो, उन्होंने अंडर वेरिफिकेशन रखे हुए हैं कि यार हम 10-15 दिन बाद आपको देंगे। लेकिन ये है कि अलीबाबा बहुत बड़ी कंपनी है, आपके साथ धोखा फ्रॉड नहीं होने देती, इसीलिए ये लोग सबसे आगे हैं। ठीक है, तो बाकी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो जरूरी है, वो कैसे किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज से कोई क्वेश्चन मुतल्ले क्या तो बताएं, कर लें। और हाँ, मैसेज जो सा है ना, उसको पहला मैसेज कौन सा भेजना है, ये मेरे पास टेम्पलेट्स पड़ी नहीं है कि उससे किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके अंदर डिफरेंट मैसेज लिखे हुए हैं कि पहला मैसेज क्या करना है, फिर कौन, सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने उसकी डिक्टो कॉपी करके भेजनी है, लेकिन उसको पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात किस तरह करनी है। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है तो बेशक कर ले। यहाँ तक तो क्लियर है, बस मेरा यही है आपसे क्वेश्चन कि हमने जो है ना ये ओवरव्यू इज द मतलब ये लेक्चर्स का ले रहे हैं, मतलब लेट्स सपोज प्रोडक्ट हंटिंग हो गया इस टाइम, वो तो खैर अभी टूल्स भी नहीं परचेज कर सके, मेरा करीम भाई ने भी नहीं परचेज की और ना मैंने जी की जी अभी। मैंने तो आपको बताया अपना प्लान की जो है ना, मैं जी जी मार्च जी मार्च में शादियाँ हैं वो, उनको जरा जी जी नबेड़ लूँ, अपने जी जरा एक्सपेंसिस बना लूँ, तो फिर मैं जो है ना टूल्स पे जो है वो ज़्यादा खर्चा करूँगा। और उसके ठीक है, अलावा ये था कि मतलब ओवरव्यू जैसे मतलब आप अगर पीडीएफ करना चाहें तो पीडीएफ कर लें, एक तो मार्जिन मतलब कि क्राइटेरिया मार्जिन वगैरह जो हमने कैलकुलेट करने हैं जंगल स्काउट के, हीलियम के, हमने मतलब इसका एक ओवरव्यू लेक्चर जो है ऑलरेडी हमारे पास है। देखें कोई भी चीज़ है ना, लेक्चर तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम चैनल ठीक भी है और मतलब हमारे पास वैसे भी वर्बली भी माशाल्लाह ठीक है मतलब ठीक काफ़ी है नॉलेज आ गया। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब जो हाईलाइटेड चीज़ है ना वो मेरे ख्याल से कि आप पीडीएफ बना दें, वो पीडीएफ के थ्रू शेयर कर दें। देखें मैंने मैं, मैंने मुझे नहीं पता। आपको वो नहीं शेयर किए स्लाइड्स, ही शेयर की जो स्लाइड्स है ना। मेरे ग्रुप में तो नहीं आई स्लाइड जैसे। अच्छा, मैं आपको ना सारी स्लाइड्स जरूर सेंड कर दूंगा, ये स्लाइड्स बनी हुई है। ठीक है, तो जी स्लाइड जो मैं मैं, वो ही कह रहा हूँ कि एट दी एंड हम इस वो देखें उस स्लाइड्स आगे पीछे हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीएफ में हो या इस तरह किसी फॉर्म में हो, ताकि वो हमें चले वो स्लाइड्स भी हो तो कोई इशू नहीं है सच, लेकिन असल वो है में वो कि हम एट दी एंड मार्जिन, अब जैसे हमने प्रोडक्ट हंटिंग का पढ़ा है तो उसमें हमें जो है क्राइटेरिया के जो है ना मतलब यूके का एक डिफरेंट क्राइटेरिया, मतलब कि एक जनरल क्राइटेरिया हमें क्या होना चाहिए, और उसके बाद स्पेसिफिक एक एक पोर्टल कह रहा हूँ, एक एक जो है ना टूल का, कि हमारे पास उसका क्या वो होना चाहिए, हाँ ताकि वो ये होता है कि हमें लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, थ्रू आउट द लेक्चर हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम जो है स्पेसिफिक चीज़ें हमारी, हमने वो चीज़ें निकाल के साइड पे रख ली और बिल्कुल, उनके थ्रू जो है ना वो हंटिंग स्टार्ट कर हाँ दी। जो मैं आपको जो स्लाइड सेंड करूंगा ना, जो कंप्लीट स्लाइड है उसके अंदर वो सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, आपको वापस लेक्चर सही, लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स भी जी लगे जी हुए हैं। मैं आप सिर्फ, हाँ मुझे ये ना सिर्फ बस यही था। मैं आपको स्लाइड्स भेजूंगा, आप वो स्लाइड साथ रखिएगा और हंटिंग स्टार्ट करें, और फिर उन स्लाइड्स को देखें, फिर भी जो कन्फ्यूजन होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वो उस टाइम पे बड़ी एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी। अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, इसलिए आपको फ्लॉ थोड़ा सा दिमाग में लग रहा है। एक दफा जब आप गो थ्रू हो जी जाएंगे ना, आपको खुद ही सारी चीजें, इवन स्लाइड्स भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा आपको क्राइटेरिया हिफ्ज होंगे। ठीक है, आप एक नजर मारेंगे और बता देंगे ये सही है नहीं। बस एक दफा आपने प्रैक्टिस दबा के, 1 महीना आपने प्रैक्टिस दबा के करनी इस हंटिंग और सोर्सिंग की, जब भी आप फ्री होते, लेकिन करनी जरूर है, उसके अलावा जो है ना स्नैरियो बन नहीं सकता। ठीक है, जी जी नहीं, मैं देखें अब एक दफा अगर हमने मतलब कि उसको उससे चर्न करना है या उसको अपने एज ए प्रोफेशन लेके चलना है, तो वो मेरे ख्याल नहीं, प्रैक्टिस तो छोटा लफज हो जाता है कि मतलब उसमें घुस बिल्कुल, जाना चाहिए। हाँ मैंने तो बिल्कुल आपको कंसर्न्स बताए थे अपने कि क्या बिल्कुल मेरे बिल्कुल, कंसर्न्स हैं, तो मैं तो आफ्टर मार्च अप्रैल इंशाल्लाह रमजान में शुरू करूंगा, जरा ना हाँ इसको तसल्ली से बैठ के जरा नहीं, करूंगा। आप तो बेहतरीन शुरू करें फिर, आपके पास तो बड़ा अच्छा पीछे प्लेटफॉर्म है, आप हाँ पांच चार जी पांच महीने अच्छा मैं काम करके, डेफिनेटली मैं भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आपके पीछे टीम बनी होगी, डरने घबराने की जरूरत ही नहीं जी है। बहुत, जब कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगा तो टेक्निकल टीम ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, जो इशू को रिजॉल्व कर देंगे। जी क्या प्रॉब्लम हो जी जाएगा, जी अकाउंट किसी क्लाइंट का डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्लाइंट टीम है हमारे पास उसको रिएक्टिव कर देगी, क्या इतना घबराने की जरूरत है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो वो जी आपकी बस, नहीं, इंसान एक प्लेटफॉर्म से चलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंसान के लिए हेल्पफुल होता है कि इंसान को पता होता है कि मेरे पास रिकवरी टीम है, तो मैं कुछ कर सकता बस हूँ, आप, और अगर ऐसा कुछ
ब्लंडर्स हो जाते हैं समटाइम्स बंदे से, क्योंकि आप जब बिगनर होते हो तो देखो यू नहीं मेक तो वो मिस्टेक टू हैदराबाद बी में हमारे सक्सेसफुल। दोस्त हैं, बिल्कुल हमने उन्हें प्लेटफॉर्म भी दिया फिजिकल, मुझसे लोगों को मैंने उन्हें कैंडिडेट्स भी दिए फिजिकल हैदराबाद के। उसके अलावा उनको पूरा समझाया, जब उन्होंने सेशन शुरू करने थे तो मैंने उन्हें स्लाइड्स फॉरवर्ड की, उनको बताया कि इस तरीके से करना। आज वो माशाल्लाह वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, दोनों मिलके एक ही इनको सपोर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज बढ़ती चली जाती है। टीम वर्क तो जी होता ही बिल्कुल है ऐसी सारा ऐसी कुछ ना। बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी हमने बिलाल भाई एक ग्रुप लिया है अमेजोन का, 1,25,000 से जी ऊपर उसके फॉलोअर्स हैं, वो मेंबर्स हैं, 1,29,000 उसके मेंबर्स हैं। और वो किसी बंदी से बड़ी मुश्किल से उसके साथ टैकल शैकल करके हमने वो परचेस किया है ग्रुप। अब देखें यही टीम का फायदा होता है, वो जब ग्रुप हमने परचेस किया अब उसमें सबको फायदा है। कल को जब आप भी किसी जगह इस कंपनी के साथ जुड़े होंगे आपको भी फायदा, क्योंकि वो उस ग्रुप की जो ऑडियंस है वो आपकी ऑडियंस सबसे पहले, बाकी लोगों की बाद में। तो ये इसी तरह जो है ना, आपके पास तो बना बनाया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, 4-5 महीने काम करें, बेशक हमारे साथ ही करें, एक अच्छी सी इंटर्नशिप करें जिसमें आप सारी चीजें प्रैक्टिकली हैंडल कर लें। उसके बाद इजी वे है, जब आपको टाइम मिलेगा अपना एक अच्छा सा दारा खोलें और साथ क्लाइंट्स भी रखें, ठीक सिंपल वे। है ठीक है चले, फिर, ठीक है बिलाल चलो भाई, ठीक है अब्दुल भाई, फिर जी, इंशाल्लाह अल्लाह मैं लेक्चर अपलोड अल्लाह करता हूँ। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, हाँ। इंशाल्लाह।